पद्मावती की रिलीज डली तो फिरंगी फुकरे रिटर्न्स की किस्मत चमकी। कपिल शर्मा अक्सर अपने कॉमेडी शो में जाहिर करते रहे हैं कि आखिर वे दीपिका पादुकोण को किस कदर चाहते हैं, लेकिन कपिल का उनकी दीपू से ऐसा किस्मत कनेक्शन निकलेगा यह उन्होंने खुद भी नहीं सोचा होगा। बतौर प्रोड्यूसर कपिल शर्मा की पहली फिल्म फिरंगी 24 नवंबर को रिलीज होने वाली थी व कपिल जमकर इस फिल्म के प्रमोशन में लगे हैं। वहीं कपिल की फिल्म के एक सप्ताह बाद दीपिका पादुकोण की फिल्म पद्मावती रिलीज होने वाली थी, लेकिन सेंसर बोर्ड के लटकाने व देश भर में जमकर विरोध के बाद इस फिल्म की रिलीज डेट आगे बढ़ गई है। ऐसे में लगता है अब कपिल शर्मा इस रिलीज डेट का लाभ उठाने वाले हैं व उनकी फिल्म की रिलीज आगे बढ़ते हुए 1 दिसंबर हो गई है। सिर्फ कपिल ही नहीं बल्कि 24 नवंबर को रिलीज होने वाली अरबाज खान व सनी लियोन की फिल्म तेरा इंतजार भी अब 1 दिसंबर को ही रिलीज होगी। हमारी सहयोगी वेबसाइट बॉलीवुड जीवन की समाचार के अनुसार निर्देशक राजीव धींगड़ा की फिल्म फिरंगी अब 24 नहीं बल्कि 1 दिसंबर को रिलीज होगी। सेंसर बोर्ड के सूत्रों के अनुसार फिरंगी को अभी भी सेंसर बोर्ड से सर्टिफिकेट नहीं मिला है, यही कारण है कि इस फिल्म की रिलीज आगे बढ़ सकती है। कपिल शर्मा की इस फिल्म के निर्देशक राजेश धींगड़ा ने भी साफ किया है कि क्योंकि उन्हें सेंसर बोर्ड से सर्टिफिकेट 23 नवंबर को मिलने वाला है, ऐसे में इतनी जल्दी फिल्म रिलीज करना उनके लिए मुनासिब नहीं है। वहीं दूसरी तरफ कपिल की फिल्म के साथ 24 नवंबर को रिलीज हो रही फिल्म तेरा इंतजार भी अब 1 दिसंबर को ही रिलीज होने वाली है। फिल्म ट्रेड एनालिस्ट तरुण आदर्श ने ट्वीट कर बताया है कि सनी लियोन व अरबाज खान स्टारर यह फिल्म अब 1 दिसंबर को रिलीज होगी। भंसाली की इस फिल्म की रिलीज डेट टलने से सिर्फ फिल्में पोस्टपोन ही नहीं हुई हैं, बल्कि कुछ फिल्मों की रिलीज अब नजदीक भी हो गई है। अभी तक 15 दिसंबर को रिलीज हो रही फिल्म फुकरे रिटर्न्स अब 8 दिसंबर को रिलीज होगी। बता दें कि यह फिल्म फुकरे की सीक्वेल व फुकरे भी वर्ष 2015 में 8 दिसंबर को ही रिलीज हुई थी।